सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, इन भाई ने एक महीने पहले एक चैनल बनाया था, जिस चैनल का नाम था इमरान फैक्टर्स। तो अब इनकी दिक्कत क्या आ रही है, जब शुरू में ये वीडियोस अपलोड करते थे तब तो रीच सही जाती थी, व्यूज सही आते थे। ठीक है, कितने आ जाते थे व्यूज आप बताओ? डेली के व्यूज 8,000 to 10,000 व्यूज एवरेज व्यूज होते थे। 8,000 से 10,000 व्यूज इतने आ जाते थे। और सबसे हाईएस्ट कौन सी गई है? और सबसे हाईएस्ट वीडियो गई है 63,000 व्यूज। 63,000 मतलब 63,000 व्यूज इनकी लास्ट वीडियो गई है। उसके बाद सारी वीडियोस में सबसे नीचे व्यूज आ रहे हैं, है ना। और अब इनके उस तरीके से व्यूज नहीं आ पा रहे जिस दिन जिस टाइम से आते थे, जितने मतलब आते थे उससे भी कम आ रहे हैं, है ना। कितना आ जाते अब कितना आते हैं डेली की? 6,000 5,000 आते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा रीच कम हो चुकी है। तो क्या रीज़न हो सकता है, चलो वही अब जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक आप बने रहना, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया है, अभी आपको चल के दिखाते हैं इनके YT स्टूडियो पर। ठीक है, तो ये YT स्टूडियो इनका ओपन कर दिया है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ सबसे हाईएस्ट व्यूज कौन सी वीडियो पे गए। ठीक है, तो हम चलते हैं वीडियोज में, शॉर्ट्स ही अपलोड करते होंगे, है ना, शॉर्ट्स ही अपलोड करते हो। 3 वीडियो जो है इनकी वो लॉन्ग पे है, और लॉन्ग वीडियो अब वो अपलोड क्यों नहीं करते हो? डेली मतलब टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है लॉन्ग वीडियोज में, दैट्स वाई मैं अपलोड नहीं करता हूँ। अच्छा, लॉन्ग वीडियो में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए ये अपलोड नहीं करते, जो भी टाइम है नहीं। ओके, अब शॉर्ट्स में देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट व्यूज किस पे गए। तो शॉर्ट्स पे गए, शॉर्ट बाय मोस्ट व्यूड। सो गाइस, 63 जैसा भाई ने बताया था व्यूज उतने ही गए इनके वीडियोस पर। और अब देखते हैं रिसेंटली वीडियोस पर कितने व्यूज आते हैं इनके रिसेंटली वीडियोस। तो आप देख सकते हो व्यूज एकदम कम हो चुके हैं, रीच एकदम डाउन हो चुकी है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है, चलो उनके बारे में बताते हैं। सबसे पहली चीज, आपने गैप भी लिया होगा वीडियो शॉर्ट अपलोड करते हैं, है ना। तो गाइस, आपको भी गैप नहीं लेना है जैसे इन भाई ने करा। ठीक है, इनकी व्यूज़ जो थे शॉर्ट्स के वो कम होते जा रहे हैं, रीच कम होती जा रही है। उसका रीज़न सबसे पहला ये है कि भाई ने गैप ले लिया। कितने दिन तक मतलब वीडियो नहीं डाली थी, लाइक कभी दो से तीन दिन का गैप हो जा रहा है, फिर डाल दे रहे हैं वीडियोज, फिर उसके बाद एक दिन का फिर गैप हो जा रहा है। जो ये टाइम की प्रॉब्लम के वजह से मतलब वीडियोज में गैपिंग आ जा रही थी, शॉर्ट्स भी अपलोड नहीं कर पा रहे टाइम की वजह से। ठीक है, 2-3 दिन लग जाते हैं, कभी 2-3 दिन छूट जाती है, स्किप करके चला, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। तो गाइस, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपके शॉर्ट्स पर अच्छे व्यूज आ रहे हैं, अच्छे व्यूज क्रॉस हो रहे हैं आपके शॉर्ट्स पर, तो आपको डेली बेसिस पे शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपके शॉर्ट जो चैनल है वो ग्रो होगा। ठीक है, और यूट्यूब पर सबसे तेजी से ग्रो करने का एक ही मंत्र है, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स जितना आप अपलोड करोगे यूट्यूब पर उतना जल्दी ही ग्रो आप कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी बना करके रखनी है गाइस, तुम्हें भी, और गाइस जो आप वीडियोस देख रहे हो उनको भी कंसिस्टेंसी बना करके रखनी है। अब मैं बताता हूँ सेकेंड रीजन जिसकी वजह से इनकी शॉर्ट्स पर जो रीच है, जो व्यूज़ है वो कम जा रही है। क्यों जा रहे हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। हैशटैग लगाते हो, कौन कौन से हैशटैग लगाते हो? शॉर्ट्स फीड एंड वाइटी शॉर्ट्स, थोड़ा तेज शॉर्ट्स फीड एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, वाइटी शॉर्ट्स एंड फैक्ट्स, डेली फैक्ट्स एंड ये सारे हो गए हैशटैग्स वगैरह, ये सारे रहते हैं ना। एक तो तुमने जो हैशटैग बताया वो तो मतलब सही थे। ठीक है, जैसे शॉर्ट फीड आपको ज़रूर लगाना है, तभी जाकर के क्या है कि यूट्यूब आपकी वीडियो को शॉर्ट्स में भेजेगा। ठीक है, तो आपको ये लगाना कंपलसरी है। सेकंड मैं आपको बताता हूँ YT शॉर्ट्स लगाते हो? YT शॉर्ट्स इंडिया तो आपको ये लगाना है हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स इंडिया का। ठीक है, YT शॉर्ट्स इंडिया और यूट्यूब शॉर्ट्स फीचर, ये 3 हैशटैग आपको कंपलसरी लगाने हैं। इससे क्या होगा, जो यूट्यूब है आपकी वीडियो को शॉर्ट्स में रिकमेंडेड करने लगेगा। और सबसे पहली चीज़, यूट्यूब शॉर्ट्स पर इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए है, यूट्यूब शॉर्ट पर अगर आपको इंगेजमेंट बढ़ानी है आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म में बनानी पड़ेगी रील्स को। जो भी आप वीडियोस क्रिएट करते हो शॉर्ट फॉर्म होनी चाहिए। और मैक्सिमम आप कितने टाइम की रखते हो, मतलब ड्यूरेशन कितना रखते हो अपनी रील का? 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड बेस्ट है ये। ठीक है, 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड ये बेस्ट है। पर आप अगर आप शुरू में अपलोड कर रहे हो, मतलब आप बिगनर हो, आपके सिर्फ 200-300 ही सब्सक्राइबर है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 30 सेकेंड से अंदर की वीडियोस लेनी है। ठीक है, जैसे 25 सेकेंड हो गया, 20 सेकेंड हो गया, उस 30 सेकेंड के अंदर ही अंदर आना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए अगर आप बिगनर हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यही करना है कि आपको शॉर्ट्स में जो ड्यूरेशन है बिल्कुल कम रखनी है। और हाँ, एक रीज़न और है, आपको शुरू में ही कुछ ऐसा हिंट देना है अपनी वीडियो के अंदर कि लोग लास्ट तक रुकें।
ठीक है, लोगों को मजा आना चाहिए जब आपकी शॉर्ट्स वीडियो को देखे तो लोगों को मजा आना चाहिए। आप ऐसी शॉर्ट्स मत बनाओ कि मतलब जो खुद भी आप ना देखो, मतलब हुक बनाना है। हाँ हाँ, हुक बनाना, आपको हुक बनाना अपनी शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर, ताकि लोग लास्ट में जानने के लिए उत्साहित हो जाए कि एंड में इस बंदे ने ऐसा क्या कर दिया। उससे क्या होगा, रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी तो एंगेजमेंट आएगी, एंगेजमेंट अगर अच्छी होती है तो शॉर्ट्स वायरल होती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंगेजमेंट बढ़ानी है, हाँ, अट्रैक्टिव शॉर्ट्स बनानी। सो गाइस, तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाइटल। आप टाइटल कैसा रखते हो अपनी वीडियो का? शॉर्ट्स रखता हूँ वैसे तो, लाइक हिंदी में कभी कभार हो जाता है या इंग्लिश में, ज़्यादातर मैं मोस्टली यूज करता हूँ इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में प्रोफेशनल लगता है और हिंदी में क्या है इतना प्रोफेशनल लगता नहीं है। शॉर्ट्स का टाइटल जैसे क्या हो सकता है, आपकी शॉर्ट्स का टाइटल जो भी आप अपलोड करते हैं, जैसे कि मैं कोई वीडियोस अपलोड करता हूँ उसमें क्या आप जानते हैं, तो एक एक्साइटमेंट हो जाती है कि लोग क्या है ऐसे कि मैं नहीं जानता, तो ये चीज़ डालता हूँ कि उससे एक्साइटमेंट बढ़े और लोग वीडियो वॉच करें। सो गाइस, टाइटल बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि टाइटल में लिखना क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि टाइटल में क्या लिखे ऐसा कि लोगों को अट्रैक्ट हो, लोग उसको देखें एंड तक, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लिखो अपने टाइटल में वेट फॉर दी एंड। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वेट फॉर दी एंड लिखने से क्या होता है कि जो बंदा है सामने वाला जो हमारी वीडियोज़ को देख रहा है, वो ना चाहते हुए भी एंड तक जरूर देखेगा, बोलेगा कि भाई वेट आखिरी में इसने क्या बता रखा है, जो मतलब इसने वेट फॉर दी एंड कर रखा है। तो आपको मैं दो तीन टाइटल बता रहा हूँ, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको वेट फॉर दी एंड, फिर क्या लिखना है, वेट फॉर दी ट्विस्ट, वेट फॉर दी ट्विस्ट। ट्विस्ट भी आपको डालना है क्योंकि जब ज़्यादातर लोग ये शॉर्ट्स क्रिएटर ज़्यादातर ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आपको टाइटल में ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फोर्थ और लास्ट टिप की बात करते हैं, वो ये है कि आपको टाइमिंग चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। कौन सी टाइमिंग होती है शॉर्ट्स को वायरल करने की, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइमिंग पर आपको अपनी शॉर्ट्स को अपलोड करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो वायरल हो, ठीक है। सबसे पहली टाइमिंग अगर मैं आपको बताऊं जिस टाइम पर मैं अपनी शॉर्ट्स अपलोड करता हूं, वो टाइमिंग है सुबह 7 बजे, ठीक है। मॉर्निंग में आपको 7 बजे एक शॉर्ट्स को अपलोड करना है और शाम के टाइम आपको 7 बजे, सुबह 7 और शाम को 7, ये दो टाइम आपको चूज कर लेने जिस टाइम पर आपको अपनी शॉर्ट्स को अपलोड करना है, ठीक है। फिर उस पर आप व्यूज़ देखना, व्यूज़ की बारिश हो जाएगी, उस पर भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे आपके, जो अब आपके आते हैं उससे ज़्यादा बेटर व्यूज़ आएंगे उसके। तो ये 4 टिप्स जो थी मैं आपको देना चाहता था, और आई होप आप भी समझ गए होंगे, आई होप आप लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई वीडियो में। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।